हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा, जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है। इसे हलवे को बनाने के लिए पहले हम पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने तीन गुना पानी लिया है। जितनी सूजी ली है उतने तीन गुना पानी है, और जितनी सूजी ली है उतनी ही हमने चीनी ली है। इससे ये परफेक्ट मीठा रहेगा। अगर आप मीठा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें शक्कर और गुड़ भी डाल सकते हो। और इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है मैंने। और गाइस, अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी लेंगे। हम घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। और इसी में हम बादाम डालेंगे और उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब आपका घी गर्म हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप बिना घी के हलवा बनाना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी रेसिपी को चेक कर सकते हो। उसमें विदाउट घी हमने हलवा बनाया है। आप वो रेसिपी को एक बार जरूर चेक कीजिए, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। जब आपके बादाम इस तरह से रोस्ट हो जाएं, तभी आप इसमें सोगी डालें और इसे हल्का सा चलाते हुए रोस्ट करके आप निकालें, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि सूजी जो होती है वो जल जाती है। उसी बचे हुए घी में ही हम सूजी डाल देंगे। इसमें मैंने घी ज़्यादा नहीं यूज़ किया, इतना ही किया, क्योंकि सूजी अच्छे से कम घी में भी अच्छे से इसका हलवा बन जाता है। गाइस, बहुत ही इजी है, मिनटों में बन जाता है। कई बार हमें प्रसाद बनाना होता है भोग के लिए माता के, तो आप मिनट में रेडी कर सकते हो। ये देखिए, सूजी हमारी अच्छे से बुन गई है। अब हम इसमें पानी जो हमने गर्म होने के लिए रखा था, सिंपल हमें उसकी चाशनी नहीं बनानी, जस्ट उसे गर्म ही करना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट। गाइस, अगर आप इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहते हैं तो फूड कलर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पिंच ऑफ। अब हम इसमें जो गर्म किया हुआ था पानी वो डाला है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इसके काफ़ी छींटे जो होते हैं काफ़ी आते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा दूर होकर ही पानी डालें। और गाइस, बहुत ईजी मिनटों में बन जाता है, क्योंकि गर्म पानी से जो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। कई बार ठंडे पानी डाल लेते हैं लेकिन उससे इतना टेस्टी सा नहीं बनता, तो आप गर्म पानी करके ही डालें। और इस आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से भुने, जब ये अच्छे से कढ़ाई में अपना घी छोड़ जाए। बहुत ही टेस्टी, हेल्थी है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत रवा जो होता है काफ़ी हेल्थी होता है, तो बच्चों को बना के दीजिए। ये देखिए, हलवा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, कढ़ाई से अच्छे से अलग हो रहा है। रियली गाइज, अगर आप भी ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्थी खाइए, हेल्थी रहिए। टेक केयर, बाय बाय।